आर्टिकल 370 को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। 370 हटाने का फैसला सही है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है कि 370 हटाने का जो फैसला लिया गया था वो सही है। 5 अगस्त 2019 को फैसला बरकरार। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहा जा रहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया वो सही था और वो आगे भी बरकरार रहेगा। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को वैध माना है। राष्ट्रपति विवेक से फैसला ले सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये भी कहा गया है कि वो राष्ट्रपति पद पर है और वो अपने विवेक से फैसला ले सकते हैं। धारा 370 अस्थाई प्रावधान था। सुप्रीम कोर्ट ने यह मान लिया है कि जो धारा 370 था वो एक अस्थाई प्रावधान था और जिसको खत्म करना जरूरी था, सही फैसला था। और राष्ट्रपति, उन्होंने अपने विवेक से ये फैसला लिया है, वो ले सकते हैं। बड़ी खबर इस वक्त की देखिए सामने आ रही है, बड़ी जानकारी आर्टिकल 370 को लेकर के, जहां 370 हटाने का फैसला सही रहा, सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कहा गया है। थोड़ी देर में इस मामले पर थे, क्योंकि लंबा इशू है और लंबा चला। आप जाए 16 दिन तक तो खाली बहस चली। 5 सितंबर को इस मामले पे पूरा रिजर्व रखा गया इस फैसले को। तो अगर फैसला पढ़ा जा रहा और देश के इतिहास से जुड़ा हुआ है फैसला, आज 1-2 साल का नहीं है, 75 साल का इतिहास है इसके पीछे, जिसके पीछे लड़ाई एक तरफ भाजपा लड़ती रही है और दूसरी तरफ कांग्रेस उसमें बचाव करती रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों पक्षों के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए एक विन विन सिचुएशन है कि कांग्रेस पार्टी बार बार ये आरोप लगा रही थी कि जिस तरह से इसको हटाया गया, जो प्रोसेस अपनाया गया केंद्र सरकार की तरफ से, वो गलत है। तो आर्टिकल 370 को लेकर ये बड़ी जानकारी देखिए सामने आ रही है, अपडेट सामने आ रही है, जहां आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया था वो आगे भी बरकरार रहेगा और वो सही फैसला था। कोर्ट ने राष्ट्रपति के आदेश को यहां पर वैध माना है। तो बड़ी खबर देखिए इस वक्त की सामने आ रही है आर्टिकल 370 को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए ये हो सकता है, ये जुडिशियल रिव्यू का दरवाजा हमेशा खुला रहता है। लेकिन एक बड़ी खबर और आ रही है हमारी जानकारी में कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब जल्द से जल्द वहां चुनाव कराए जाए। जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने का मतलब यह है कि अब यूनियन टेरिटरी वाली जो बात आप कह रहे हैं उसको कहीं ना कहीं खारिज किया जा रहा है। अब उस मामले पर ज्यादा बहस नहीं होनी है कि अब लद्दाख को फिर से शामिल किया जाना है और लद्दाख और जम्मू कश्मीर मिलकर एक स्टेट होंगे, तो दोनों जो यूनियन टेरिटरी। तो बड़ी खबर, बड़ी अपडेट देखिए सामने आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने भी अब ये कह दिया है कि जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में अब चुनाव होना चाहिए। बड़ी अपडेट इस बीच आपको दे रहे हैं आर्टिकल 370 को लेकर के, ये बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां सुप्रीम कोर्ट ने अब मान लिया बिल्कुल बिल्कुल। देखिए सरकार ने कहा था और अमित शाह ने, जब आर्टिकल 370 को हटाने के समय जो कानून पर चर्चा हुई थी, बिल पर चर्चा हुई थी, तो उन्होंने जवाब में कहा था कि जल्द ही, हालांकि समय मांगा था विपक्ष के लोगों ने कि समय बताइए कितने दिन में, तो उन्होंने कहा कि जब सामान्य स्थिति होगी, जब स्थिति ठीक लगेगी तब चुनाव कराया जाएगा। और उसका प्रोसेस है, देखिए डिलिमिटेशन का एक प्रोसेस कराया जा रहा था, पूरा डिलिमिटेशन का प्रोसेस हो चुका है। ये चुनाव आयोग भी बार बार कह रहा है कि डिलिमिटेशन का प्रोसेस, तो चुनाव कराने को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जल्द से जल्द अब जम्मू कश्मीर में चुनाव होना चाहिए और इसको लेकर के एक प्रोसेस भी है और वो प्रोसेस के थ्रू यहाँ पर चुनाव होगा। देखिए बड़ी अपडेट सामने आ रही है धारा 370 को लेकर के, जहाँ सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया है, मान लिया है कि धारा 370 एक अस्थायी प्रावधान था और जिससे हटाना सही साबित हो रहा है, सही रहा फैसला, सही रहा। और 5 अगस्त 2019 को जो फैसला लिया गया वो आगे भी अब बरकरार रहेगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, उन्होंने टाइम लंबा दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि हो सकता है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा का चुनाव लोकसभा के चुनाव के साथ कराए जाए, क्योंकि सरकार को ये सूट करता है। देखिए जम्मू कश्मीर 370 एक बड़ा मुद्दा है सरकार के लिए, बीजेपी के लिए, तो बार बार वो बताना चाहेगी कि हमने आर्टिकल 370 हटाया है और उसका फ़ायदा लेना चाहिए। हो सकता है कि जम्मू में उसको फ़ायदा हो, कश्मीर में बीजेपी को फ़ायदा ना हो, लेकिन पूरे देश में इसका फ़ायदा हो। तो ये जो अंदर खाने एक चर्चा है कि सरकार चाहेगी कि साथ साथ चुनाव हो तो राम मंदिर के मुद्दे का उसको फायदा हो, क्योंकि राम मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा, 22 तारीख को उसका जीर्णोद्धार होगा। आर्टिकल 370 जो बड़ा मुद्दा है, जो वो क्रेडिट लेते हैं उसका मुद्दा अगर फायदा उठाना है, तो सरकार अगर चुनाव में रहेगा जम्मू कश्मीर, तो उसका फायदा आप पूरे देश में उठा सकते हैं, भले आप जम्मू कश्मीर हार जाए लेकिन केंद्र में जीत जाए। बिल्कुल, तो अपडेट देखिए सामने आ रही है, कहा जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में भी अब चुनाव होगा और शायद लोकसभा के दौरान ही ये चुनाव, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव किया जा सकता है, क्योंकि धारा 370 एक बड़ा मुद्दा है और बीजेपी के लिए खासतौर पर एक बड़ा मुद्दा है, जिसको लेकर के आप बता दें कि बड़ी बड़ी बात है, बड़ी बड़ी खबर है, बड़ी
बिल्कुल, एक बड़े खबर ये आ रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्ट किया है, सरकार को कहा है कि जल्द से जल्द उस राज्य का जो पूर्ण राज्य दर्जा देने का मामला है जम्मू कश्मीर को, वो जल्द से जल्द किया जाए। वी डायरेक्ट दैट रेस्टोरेशन ऑफ स्टेटहुड इन यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू कश्मीर शैल बी डन एट द अर्लीस्ट। जितना जल्दी हो आप उसको राज्य का दर्जा दें, पूर्ण राज्य का दर्जा दें, ये सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है केंद्र सरकार को। तो बड़ी खबर जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा आदेश यहां पर देखिए सामने आया है, जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए और एक पूर्ण राज्य का यहां पर दर्जा दिया जाए। द कंटिन्यूअस एक्सरसाइज ऑफ पावर अंडर आर्टिकल 370 क्लॉज 1 बाय द प्रेसिडेंट इंडिकेट्स दैट द ग्रेजुअल प्रोसेस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल इंटीग्रेशन वॉज ऑन गोइंग। The declaration issued by the President in exercise of the power under Clause 3 of Article 370 is a culmination of the process of integration. Thus, we do not find that the President's exercise of power under Clause 3 of Article 370 was malus fidei. Having concluded that the power under Article 370 Clause 3 subsisted even after the dissolution of the Constituent Assembly, we have held that the exercise of power by the President to issue CO-273 is a valid exercise of constitutional power. Whether Article 370 is a temporary provision, and two, the effect of the dissolution of the Constituent Assembly of Jammu and Kashmir on the scope of powers under Clause 3 of Article 370. We have held that Article 370 is a temporary provision on a reading of the historical context in which it was included. Article 370 was introduced to serve two purposes. First, the transitional purpose to provide for an interim arrangement until the Constituent Assembly of the state was formed and could take a decision on the legislative competence of the Union on matters other than the ones stipulated in the instrument of accession and ratify the Constitution. And second, a temporary purpose, an interim arrangement in view of the special circumstances because of the war conditions in the state. तो बड़ी खबर, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। धारा 370 से जुड़ी हुई यह बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां अब कोर्ट ने भी आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराने के लिए ये कह दिया है। बड़ी जानकारी इस वक्त की सामने आ रही है और साथ ही अब जम्मू कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने की भी यहाँ पर ये भी कह दिया गया है। 5 अगस्त 2019 का जो फैसला लिया गया था वो आगे भी बरकरार रहेगा, राष्ट्रपति का आदेश यहाँ पर वैध माना है। बड़ी खबर इस बीच देखिए दे रहे हैं और जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा दिया जाए। सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि जम्मू कश्मीर को अब जल्द से जल्द पूर्ण राज्य का दर्जा मिले और चुनाव भी वहां पर होने चाहिए। तो जम्मू कश्मीर को लेकर सुप्रीम कोर्ट का ये बड़ा आदेश देखिए सामने आया है, जम्मू कश्मीर में जल्द से जल्द चुनाव कराए जाए सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कह दिया है। और शायद आप बता दें कि जम्मू कश्मीर में भी चुनाव अब लोकसभा चुनाव के दौरान यहां पर हो सकता है और राज्य का यहां पर दर्जा दिया जाए ये भी कहा जा रहा है। इन सिचुएशन में अमित शाह और उत्साहित होकर बोले, और तो बार बार ये तो आप 37-43 करने की बात कर रही हैं और साथ साथ 46-47 वो तो पीओके के जो 24 सीटें हैं उस पर भी दावा कर रहे हैं कि जो पीओके में 24 सीटें हैं आज भी हमारा है पीओके, उसको हम ले कर रहेंगे। और बार बार जब पेश किया था उन्होंने बिल तब भी उन्होंने कहा था कि हम जान दे देंगे लेकिन इसको छोड़ेंगे नहीं, पीओके को लेकर रहेंगे, और कल भी कहा था और अब भी ताल ठोक के वो कहेंगे।